अब ईरान को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। मसूद पेजिकशियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। भारत के लिहाज से अगर देखें, ईरान का रुख क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरान भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चाबहार बंदरगाह में शामिल है और इस समझौते का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के आधारों में से एक है। कि इंडिया के लिए मसूद पेजिशकियां प्रेसिडेंट बन गए ईरान के, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को। कि इंडिया ये समझता है कि जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान को इनसर्कल करें। अफगानिस्तान पहले ही आपको पता है वहां पे कुछ नहीं है, चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है, सीपैक की वजह से बजाय इसके जो फायदे होते वो नाराज बैठे हैं और इंडिया से वैसे मामला खराब है। तो आप इस सारे प्रोसेस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? तो थोड़ा सा बाद में इंडिया को एक रोल प्ले, जब ये इनका पूरा शपथ वपथ ले लें, सेटल डाउन हो जाए, इंडिया को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया है, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह है भारत में, मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया है उनका ईरान की तरफ एक झुकाव है। कंसेंसस ही नहीं है जी, आपने इंडिया की बात की। अब इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने बयान दिया था कि हमारा प्लान है ट्रेड लेवल पे एंगेज करने का, कॉमर्स में एंगेज करने का इंडिया के साथ। इतना बड़ा ब्लो बैक आया कि वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए। अब बात यही है ना कि अगर आपने अपने बच्चों को एक घर के अंदर, जैसे आप हैं, अगर आप अपने घर के अंदर बच्चों को या किसी भी बहन भाई को, सबॉर्डिनेट को 30-40 साल तक ये बताते रहे कि आपके हमसाए, आपके जो नेबर्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस पीपल, दे विल टेक योर लाइफ अवे, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू ऑल द टाइम डे इन डे आउट, और एक सुबह उठ के 30 साल बाद आप ये कहें कि नहीं आज से वो हमारे दोस्त हैं, तो आपके बच्चे कहेंगे कि आई डोंट बिलीव यू बिकॉज़ आई हैव बीन टोल्ड समथिंग एल्स फॉर जनरेशंस। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईरान को नया राष्ट्रपति मिल चुका है और ईरान के नए राष्ट्रपति ने भारत को लेकर बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया है। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है भारत और ईरान के जो रिलेशन है वो बिल्कुल सामान्य रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। भारत और ईरान लगातार उन सभी क्षेत्र में अपना सहयोग और मजबूत रिश्ते बनाए रखेंगे जिसमें पहले थे। चाबहार पोर्ट को लेकर उन्होंने कहा बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, जो हमने समझौते किए पिछली सरकार में वही रहेंगे और हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं और भारत का हम सम्मान करते हैं, ये जैसा कि ईरान के स्पोक पर्सन का कहना था भारत के हवाले से नए राष्ट्रपति जब है। वहीं पाकिस्तान के हवाले से कोई बयान ही नहीं दिया किसी ने, ना पाकिस्तानी एम्बेसी में ईरान ने कुछ कहा, ना ईरानी एम्बेसी ने पाकिस्तान में कुछ कहा, कुछ मतलब पाकिस्तान के हवाले से बोला नहीं, क्योंकि जो नए प्रधान राष्ट्रपति बने बताया जा रहा है कि वो उदारवादी विचारधारा के, यानी मौलवी, मुल्ला, इन सबसे दूर रहते हैं, महिलाओं के राइट्स की बात करते हैं। जैसे हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुआ था, तो वो चाहते हैं कि ईरान में जो महिलाएं चाहती हैं हिजाब पहनना तो वो पहने और जो ना चाहती हैं वो ना पहने, जबकि ईरान में ये बहुत सख्त रूल था पहले जब राष्ट्रपति थे कि ईरान में हिजाब पहनना ही पहनना, नहीं तो बहुत भयंकर स्थिति होती थी, महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता था अगर वो हिजाब ना पहने। और ये जो बंदा आया है दोस्तों, मसूद पेजिशकियां, मसूद पेजिशकियां का आना, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस आदमी ने अपने कार्ड्स ठीक से खेले, अपने पत्ते इसने ठीक खेले और इंडिया ने अपने पत्ते ठीक खेले, तो पाकिस्तान जो है परमानेंटली कट ऑफ हो जाएगा, परमानेंटली आइसोलेट हो जाएगा दोस्तों। ये हमें बात समझने की जरूरत है। इस आदमी के आने से बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर ईरान एंड टू हेल विद पाकिस्तान। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया हैं, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह हैं भारत में, मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया हैं उनका ईरान की तरफ एक झुकाव है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। उन्होंने अपनी पूरी एक उन्होंने आपको पता है वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है, आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाड़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन, आपके रिलेशनशिप ये है। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से OIC या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं।
ये इसी तरह है कि अब अगर बाजवा साहब ने जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मुझे याद है ये लिखवाया था कि 100 ईयर्स ऑफ पीस विद इंडिया, नोबडी लिसन टू हिम। उसकी वजह यह है कि आपने जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर लिया ओवर द जनरेशंस, अब वो एक झटके में अंडू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो लोग चाहिए जो कि ग्रेजुअली इस कैंसर को ख़त्म करें। वट एवर इज़ हैपनिंग इन इंडिया, दैट इज़ देयर इंटरनल मैटर, वी हैव टू सीक आवर ओन इंटरेस्ट। स्टेट जो है वो इंटरेस्ट ड्रिवन एक एंटिटी होती है, ना उसका कोई रिलीजन होता है, ना उसकी कोई आइडियोलॉजी उस तरह की होती है कि वो बायस बना ले कि जो मेरी तरह का नहीं है मैंने उससे एंगेज नहीं करना। टर्की इसराइल से एंगेज करता है, सऊदी अरब इंडिया से एंगेज करता है, यूएई इंडिया से एंगेज करता है, लेकिन हमें आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। तो ये चीज़ है कि हम जब तक रियलिस्ट लेंस से इंटरनेशनल रिलेशंस को और फॉरेन पॉलिसी को नहीं बनाएंगे मार खाते रहेंगे। इंडिया के हवाले से भी यही है, दीगर भी बायसेज हमारे यही हैं कि वैसे तो शारक है हमारी, लेकिन जो चाइना ने शारक काटी हमारी उस पर तो हमने कुछ नहीं कहा कि ठीक है उन्हें करने दो, उस वाली से हमारा कोई ब्लड फ्लो नहीं जाता, इसीलिए खैर है उसकी। तो हमें तो आज तक नहीं बताया गया कि वो वाला पार्ट जो उनको दिया था वो कैसे दिया और उसके लिए किसने लड़ना है और किसने मरना है। तो ये चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ स्टेट की कंसेप्शन जो है ना वो रियलिस्ट लेंस से बनती नहीं है। स्टेट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ड्रिवन एंटिटी होती है, जहाँ उसको इंटरेस्ट मिले वहाँ एंगेज करना चाहिए, बाकी सारी आइडियोलॉजिकल चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो बाद में आती हैं। कश्मीर कश्मीर हम हर जगह जाकर करते हैं। इस वक्त हमारे अपने कश्मीर में जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले, जैसे लोग वहां पे निकले, प्रोटेस्ट किया, शोर मचाया, वो हमें दिखाई नहीं देता। पूरी कंट्री का हमने बैंड बजा के रखा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का इशू है, जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनके मेंबर्स जो है या जो मिनिस्टर्स हैं कई जगह पर, वो जब गवर्नमेंट में नहीं होते तब तो जाके मिसिंग पर्संस के साथ बैठ जाते हैं और बड़ा रोना धोना करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो यही लोग ऐसे ऐसे कानून लेकर आते हैं कि जिसके जरिए अगर मीडिया कोई बात करना भी चाहे तो उसको 10 तरह की चीजें, मतलब मुश्किल चीजें जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। ये कब तक चलता रहेगा और कश्मीर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अब क्या दिया इन्होंने कश्मीर को? जो यहाँ पे कश्मीर है वहां कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए लोग बड़े खुश हों कि पेरिस बना दिया या कुछ कर दिया। हाँ देखिए, वो तो मैंने तो अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बस। ये बस जो है वो हम मिस कर चुके हैं। हमारे पास 3-4 मौके आए थे और बहुत मरतबा हमारे पास बहुत चांस भी था कि हम बड़ा क्लोज जाके इंगेज कर लें, कुछ सेटलमेंट कर लें। तो पहली गलती 47 में ही कर दी, क्योंकि अगर आपने एक आदमी को ऐसा पाया वहाँ पे जो अभी हु इज इन टू माइंड्स एंड यू इनफिल्ट्रेट योर ब्रदर्स फ्रॉम हेयर, जो कि जाकर सादा कपड़ों में उसको एनेक्स करने की कोशिश करते हैं, वो जाके नेहरू साहब से हेल्प मांग लेते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में इतने मल्टीपल लेवल के एंगेजमेंट्स हुए, वाजपेयी साहब लेट 90s में पाकिस्तान आए, चल के मीनार पाकिस्तान पे खड़े हो गए, सिम्बॉलिकली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एक दोस्त बन सकते हैं। उसके बाद कारगिल हो गया। तो इतनी गलतियां करने के बाद अब ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि आपको ये पेपर नहीं है कि आप फेल करेंगे तो फिर आप सप्ली का एग्जाम देने के लिए दोबारा साइन अप कर देंगे। ये 2-4 दफा ही चांस मिलता है नेशंस को, इसके बाद नहीं मिलता। सो नाउ आई थिंक दैट वट एवर मे बी हैपनिंग इन देयर हैज़ बिकम इररेलेवेंट थ्रू द फैक्ट दैट वी लैक द पावर टू रिक्लेम एनी थिंग दैट वॉज आवर्स बेसिकली। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपने रिक्लेम करना है ना, उसके लिए आपको ताकत चाहिए होती है। अगर आपसे कोई चीज़ छीन कर ले भी गया है और आपने उसको रिक्लेम करना, यू नीड मसल फॉर दैट। हमारी सूरत हाल जिस तरह से आपने बताई कि यहाँ बिजली का बिल दिया नहीं जा रहा, $1 अरब IMF ना दे तो गला सूख जाता है हुक्मरानों का यहाँ पर। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर हो, जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है 300% इजाफा हुआ है टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमने कहा गुलामी की जंजीरें टूट गई और एंजॉय किया और सेलिब्रेट किया। ये भी समझ नहीं आई कि वो TTP को स्ट्रेंथन करेगा और वो आपको अटैक करेगी बाद में। तो ये चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि वी हैव टू लुक इनवर्ड्स नाउ। 70 साल हो चुके हैं, हमें सिर्फ बच्चों को यही बताया जा रहा है कि बाहर देखो वहाँ ज्यादती हो रही है, वहाँ ज्यादती हो रही है, वो मिडल ईस्ट में जुल्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अच्छा अपने बैकयार्ड में क्या हो रहा है उसकी बात ना करो। तो ये चीज़ है कि अब पाकिस्तान की जो मॉडर्न जनरेशन है उसको सोचना चाहिए कि पहले जो रियासत होती है ना वो अपनी आवाम की, अपनी सिटीजनरी के लिए होती है, बाद में किसी और के लिए होती है। अमेरिकन स्टेट इज़ फॉर द गुडविल ऑफ द अमेरिकन सिटीजन, नॉट द गुडविल ऑफ इराकी और अफगानी सिटीजन। इसीलिए बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। अयूब खान ने के अपने अल्फाज हैं, 65 का एडवेंचर जब फ्लॉप हुआ उसने कहा कि आई विल नेवर रिस्क काउंटलेस पाकिस्तानीज फॉर अ फ्यू कश्मीरीज फ्रॉम नाउ ऑन, कि दोबारा से मैं करोड़ों पाकिस्तानियों को कुर्बान नहीं करूंगा एक माइनॉरिटी के लिए जिसको मैं छीनना चाह रहा था जो कि मुझसे नहीं हुआ।
क्योंकि भुट्टो साहब ने पता नहीं कितने लेक्चर दिए उनके कान में जाके कि आप फातह कश्मीर बन जाएंगे, मेरी बात मान लें, आप घुसे वहां पे, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज है कि आई थिंक वी हैव मिस्ड द बस ऑलरेडी। दोस्तों पाकिस्तानी इसलिए जले हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कोई और कट्टर मौलवी टाइप का आदमी ईरान का राष्ट्रपति बनेगा, और जाहिर सी बात है अगर मौलवी बनेगा तो पाकिस्तानियों को उनके लिए बरगलाना काफी आसान हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ साल तो पाकिस्तान मौलवियों से अपना थोड़ा मोड़ा फायदा तो निकलवा ही लेते। लेकिन कट्टर उदारवादी आया है बंदा, ऐसा बंदा जो इस्लाम में जो बुराइयां हैं उसका सख्त खिलाफ करता है, हालांकि इस्लाम का कट्टर समर्थक भी है वो बंदा जो आया राष्ट्रपति बना है, लेकिन जो बुराइयां जैसे हिजाब हो गया और भी मारधार करना, हमेशा झुलसते रहना आग में, फटना फटाना, ये सबका विरोध करता है जो बंदा आया नए राष्ट्रपति जो बने, ठीक है। तो पाकिस्तानियों को काफ़ी जलन है, ऊपर से पाकिस्तानियों के बारे में उसने कोई एक भी बयान भी नहीं दिया, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जो नया राष्ट्रपति बना। तो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा टसल है, पाकिस्तान ईरान की पहले ही आप लोगों को पता है रिलेशन कुछ खास अच्छे हैं नहीं, ठीक है। ईरान जो है लगातार पाकिस्तान पे एक ही आरोप लगाता है कि भाई आप आतंकवादी भेजना बंद करो, ईरान में भी डिस्टेबलाइज करने का कोशिश करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ये कहता है कि ईरान जो है हमारे बलूचिस्तान को कब्जा करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। तो इनकी टसल जारी रहेगी, इससे भारत का ये फायदा है कि जो चाबार पोर्ट है वो एक्सेस बिल्कुल भारत का बना रहेगा और अफगानिस्तान तक भारत की चीज़ें पहुंचती रहेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में जो सिया पॉपुलेशन है वो एक अच्छी खासी तादाद में है, ठीक है, मतलब करोड़ से ज़्यादा, करोड़ लगभग अगर बात किया जाए तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा भारत में सिया पॉपुलेशन रहती है, और ईरान भी सिया पॉपुलेशन बहुल है, तो ऐसे भी एक रिश्ता जुड़ जाता है भारत का ईरान के साथ।